हेलो स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन एट एन्यूलीन हमने डिस्कस किया कि उसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था लेकिन वो निकला क्या नॉन एरोमेटिक और एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की है तो आपको हमेशा वो क्लियर होना चाहिए कि नॉन एरोमेटिक क्यों है अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो मेरा मिस कर दिया है तो आप इमीडिएटली जाइए सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर केमिस्ट्री बाय जैन सर पहली बार आप में से कोई आ रहा है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए आज मैं इस वीडियो में आपको साइक्लो डेका पेंटाइन इसकी केमिस्ट्री और बता रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जैसे ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना रखा है देखिए यहां पर टोटल टेन कार्बन एटम्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ऑल्टरनेटिव यहां पर हम देख रहे हैं डबल एंड सिंगल बॉन्ड है क्या ये एन्यन है तो मुझे लगता है कि अब आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं कि यस सर ये एन्युल है कौन सा एन्युल है ये ऑब्वियसली टेन है ये देखिए क्यों है टेन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और टेन कार्बन एटम्स है तो टेन एन्यूलीन है ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड विद ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड अब ये जो टेन ये एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी कौन सी कंडीशन को फॉलो करता हुआ दिख रहा है तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसका मतलब यहां पर टेन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन सी कंडीशन को फॉलो करता हुआ दिख रहा है हां हकल्स रूल दैट इज फॉलोड हकल्स रूल एंड क्या साइक्लिक है यस yes, साइक्लिक है क्या सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज़ हैं? है यस ऑल कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज़ है तो इसका मतलब इसको प्लेनर होना चाहिए लेकिन किंतु परंतु ये देखिए ये बट नॉन प्लेनर ये देखिए अब यहां क्या ट्विस्ट एंड टर्न है ये नॉन प्लेनर क्यों है जबकि हमको तो सारे कार्बन एसपी टू दिख रहे हैं तो देखिए इसका लॉजिक भी वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में साइक्लो ऑक्टा टेट्रा के लिए बताया था अगर इस अरेंजमेंट को देखें आप देखिए किसी भी डबली बॉन्डेड कार्बन को ये सिस दिख रहा है आप अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं ऐसा दिख रहा है ये देखिए, आपके कार्बन एटम है और ये जो कार्बन एटम है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये कार्बन एटम है ठीक है ना तो ये सिस अरेंजमेंट है ये वाला, सिस अरेंजमेंट ऐसे ये भी सिस है, ऐसे ये भी सिस है, ऐसे ये भी सिस है। ऐसे है भी से से। और इससे हुआ क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर सारे कार्बन अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो प्लेनर होने की सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्टेरिकली एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहां पर इफ ऑल कार्बन एटम्स आर प्लेनर देन स्ट्रॉग स्टेरिक रिपल्शन रिपल्शन और स्टेरिक रिपल्शन इसका ऑलरेडी अपन ने आंसर समझा था ड्यू टू रिपल्शन ड्यू टू साइज स्टेरिक रिपल्शन इज स्ट्रॉन्ग वेरी पावरफुल रिपल्शन इज वेरी स्ट्रांग है ना तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पे टेक्स प्लेस देखिए तो अब इसको मिनिमम करने का क्या तरीका है ऑब्वियसली ये सिस अरेंजमेंट में हम बात कर रहे हैं इन सिस अरेंजमेंट तो देयरफॉर फोर टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन रिपल्शन यहां पर कार्बन एटम्स नॉन प्लेनर सिचुएशन में चले जाते हैं कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और इसलिए ये नॉन प्लेनर सिस्टम हो जाता है और अगर नॉन प्लेनर हो गया तो ऑब्वियसली हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे नॉन ये देखिए तो अगर कोई भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानता था तो वो हमेशा इसको एरोमेटिक लिख के आता क्योंकि हकल रूल फॉलो हो रहा है साइक्लिक है प्लेनर है इसका ऑल्टरनेटिवली एक ये अरेंजमेंट भी देखिए बताया गया है इसको देखिए जरा ये देखिए ये देखिए ये भी कभी कभी मॉलिक्यूल प्रॉब्लम में लिखा हुआ जाता है इट इज सेम साइक्लो पेंटा इन ये वाला टेन एन्यूलिन टेन कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड है क्या यहां पर कोई बॉन्ड ट्रांस है तो देखिए यस yes. ये बॉन्ड देखिए आप ये वाला ये ट्रांस है ये कैसे दिख रहा है ट्रांस ये देखिए अरेंजमेंट ऐसा है ये एक कार्बन ऊपर जा रहा है एक कार्बन नीचे आ रहा है ये देखिए और ऐसे ही अगर मैं इस कार्बन कार्बन अरेंजमेंट को देखूं डबली बॉन्डेड ये भी ट्रांस है ये वाला तो ये भी ट्रांस बॉन्ड है रिमेनिंग ऑल आर सिस ये सिस है, ये सिस है, ये सिस ये 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 है 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 तो इसका मतलब एटलीस्ट यहां पे दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन ट्रांस तो हुए तो इसका मतलब ये ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर है है ना तो हियर टू ट्रांस बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ये देखिए लेकिन यहां पर भी देखिए कुछ प्रॉब्लम है वॉट इज दैट अगर ये ट्रांस है तो यहां पर जो हाइड्रोजन एटम्स है हाइड्रोजन एटम ये और ये हाइड्रोजन एटम ये अगर ये कार्बन प्लेनर है तो प्लेनर होने के कारण ये जो हाइड्रोजन है दिस वन और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये एकदम पैरेलल हो गए ऐसे और अगर पैरेलल हो गए तो इसका मतलब प्लेन में होने के कारण ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं स्टेरिकली रिपेल कर सकते हैं और अगर ये एक दूसरे को स्टेरिकली रिपेल करेंगे तो मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो जाएगा तो इसका क्या फंडा हुआ इस रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए दोनों कार्बन फिर आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं तो ये भी नॉन प्लेनर अरेजमेंट हो गया नॉन प्लेनर अरेंजमेंट तो इफ प्लेनर देन स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्शन इफ प्लेनर देन स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम ये जो दो हाइड्रोजन हमने मार्क किए हैं, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स ओके तो कोई भी अरेंजमेंट आपको मिल जाए इनमें से साइक्लोडेका पेंटाइन या टेन का आपको क्या लिख के आना है नॉन एरोमेटिक ठीक है स्टूडेंट तो दीज एग्जाम्पल्स जो हमने लास्ट वीडियो में देखे जो हमने इस वीडियो में देखा ऑल आर वेरी यूजफुल फॉर जेई स्टूडेंट्स नीट स्टूडेंट हो सकता है इनमें से आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम देखने को मिल जाए तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर अपने अच्छे अच्छे जो कमेंट्स हैं और लाइक like करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिए एनर्जाइज करिए और अगर कोई और ऐसा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जो आपको लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर जितना मुझे पता है मैं आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा तो मिलते हैं